गाइस, आज की वीडियो में बहुत ही बजट फ्रेंडली आरसी कार्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ और ये कार्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इन बहुत ही शानदार आरसी कार्स है। इस कार को मैंने कल ही खरीदा है। इसका नाम है शॉर्ट ट्रक कोर्स आरसी कार। दिखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आज मैं इस कार की फाइट कराने वाला हूँ ड्यून ब्लास्टर आरसी कार के साथ और टॉम मसल आरसी कार के साथ। चलो गाइस, फटाफट से पहले करते हैं इन तीनों की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से कौन सी सस्ती वाली कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर HB टॉयज बोल के लिखा हुआ, HB टॉयज ने इस कार को बनाया है। फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है। वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। एक और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है अमेजोन का, वहां से भी जाकर आप चाहे तो शॉर्ट कोर्स आरसी कार को खरीद सकते हो। बॉक्स में से निकालने के बाद तो यार ये अलग किस्म की नजर आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो शाइनिंग है ये बहुत तगड़ी वाली दे रखी है। कितना ज्यादा मस्त चमचमा रही है ये आरसी कार। यहाँ पे नेटिव एलिमेंट के लिखा है, इसका मतलब क्या है मेरे को पता नहीं है। अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके ऊपर जो कलर स्कीम है ये काफी ज्यादा डिफरेंट है यार। यहाँ पर इसके व्हील्स है, व्हील्स बहुत ज्यादा फ्लफी टाइप दे रखे हैं। ये कार कंप्लीटली 4x4 है। ये व्हील्स कंप्लीटली फंक्शनल व्हील्स इसके अंदर लगाए गए हैं। यहाँ पे कोई भी व्हील्स इसके अंदर खराब हो जाता है तो इन व्हील्स के साथ हम लोग इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। एंटी कोलिजन बंपर है। सामने की तरफ भी बहुत ही यूनिक सा दिखाई देने वाला एंटी कोलिजन बंपर इसके अंदर लगा रखा है। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, सस्पेंशन भी इसके ठीक ठाक मेरे को लग रहे हैं। यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ, अभी दिखाता हूँ इसका रिमोट कंट्रोलर। स्टीयरिंग काफी ज्यादा टेक्टाइल है, ट्रिगर भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का दे रखा है। कार के अंदर मैं बैटरी दिखा देता हूँ, इस तरह की बैटरी इसके अंदर मिलती है, 4.8 वोल्ट 700 mAh NICD बैटरी इसके अंदर दे रखी है। अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ स्टॉर्म आरसी कार को। इसका इंजन आप देख सकते हो बोनट के ऊपर इनको मिल जाता है। मेरे को लग रहा है ये सुपर चार्जर इस कार के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। अभी निकालते हैं हमारी आरसी कार को। इसकी क्वालिटी आप इसे टच करते बराबर ही आपको पता चल जाएगी कि ये कार कितनी ज्यादा सॉलिड प्लास्टिक से बनाई गई है। आप देखो गाइस, मैं इसको इतना पीट रहा हूँ, इसको कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखो, इसका ये सुपर चार्जर है, इसके ऊपर इन लोगों ने बैठा रखा है। ये व्हील्स की क्वालिटी और व्हील्स के ऊपर ग्रिप देखो, बहुत ज्यादा तगड़ी बना रखी है। और ये सस्पेंशन बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। पुराने जमाने में जो मोबाइल फोन आते थे उसी तरह का ये डिजाइन मेरे को लग रहा है। यहाँ पर इसकी स्टीयरिंग है, यहाँ पर एक नॉब भी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। 2 AA बैटरी डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। इस कार के अंदर हम लोग इस तरह की बैटरी यूज कर सकते हैं। ये है लियोन बैटरी, 3.7 वोल्ट 900 mAh की बैटरी। अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ड्यून ब्लास्टर आरसी कार को। ये भी कंप्लीटली एक ऑफ रोड सीरीज आरसी कार है। आज मैं आपको जितनी भी आरसी कार्स बता रहा हूँ ये बहुत ही कम प्राइस की है और ऑफ रोड में बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाली आरसी कार्स है। यहाँ पर इसकी स्टीयरिंग है, यहाँ पर कार को आगे पीछे करने के लिए एक बटन देखने को मिल जाता है। अभी कार को निकाल लेते हैं गाइस यहाँ से। ये देखो, आ चुकी है हमारी आरसी कार बाहर। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी देखो कितना ज्यादा अलग है और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड दी गई है। ऑफ रोड यहाँ पे बल्कि लिखा है। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसकी सबसे ज्यादा अनोखी चीज है इसके व्हील्स। देखो कितने ज्यादा कांटेदार व्हील्स इसके अंदर लगाए गए हैं। डिजाइन तो यार एकदम यूनिक है इस कार का। इस कार के अंदर एक चीज मेरे को गड़बड़ लगती है गाइस, वो है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। यहाँ पर हम लोग कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं लगा सकते। इसके अंदर हम लोग को 4 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इन सभी में से आप देख सकते हो अपनी शॉर्ट कोर्स आरसी कार जो है इन सभी से बहुत ज्यादा छोटे साइज की मेरे को लग रही है। पर इसके अंदर एक चीज गजब की मेरे को लगती है, वो है इसका 4x4 सिस्टम। और इनके साथ आज मैं फाइट कराने वाला हूं ये रॉक क्रॉलर की, क्योंकि ये भी जो है ऑफ रोड में चलाने के लिए बनाई गई है और ये कंप्लीटली मेटल की भी बनी हुई है। चलो दोस्तों, भी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन चारों के बीच में फाइट, देखते हैं चारों में से कौन सी कार आज विनर हो पाती। लेट्स गो एंड फाइट। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले शॉर्ट कोर्स आरसी कार को चला के देखते हैं। यार इसकी स्पीड मेरे को बिल्कुल सही लग रही है। यहाँ से टर्न करा लेते हैं, अभी थोड़ा सा आगे लेके आके ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक देखो यार स्पॉट पे लग रहा है इस कार का। टर्निंग रेडियस भी देख लेते हैं, टर्निंग रेडियस भी बहुत ज्यादा कम है। आप इसको बहुत छोटे से एरिया में भी चला सकते हो या फिर बहुत बड़े एरिया में भी चला सकते हो। इसकी रेंज भी अच्छी खासी मेरे को लग रही है। अभी टेस्ट करते हैं ड्यून ब्लास्टर आरसी कार को। ये कार का जो रिमोट है बहुत ही यूनिक है गाइस, देख सकते हो इस तरह की स्टीयरिंग इसके अंदर मिलती है। इस वजह से कार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है और इसका ब्रेक भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग जाता है। पर इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लग रहा है। इसकी स्पीड भी अच्छी खासी दी गई है। टेस्ट करते हैं स्टॉर्म मसल कार को। इसका रिमोट भी बहुत यूनिक है,
पर रिमोट के अंदर एक दिक्कत है, रिमोट फिसलने लगता है यार बार बार, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं दी गई है। जहां तक कार की बात करूं, कार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है। अभी टेस्ट करते हैं आरसी मेटल रॉक रोलर कार को। ये कार को मैंने बहुत दिनों से नहीं चलाया, इस वजह से कार तो सही तरीके से चल रही है, पर मैं इसको जैसे ही टर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं, देखो गाइस कार बिल्कुल भी टर्न नहीं ले रही है। मेरे को लग रहा है इसकी स्टीयरिंग थोड़ी सी जैम हो चुकी है, अभी मेरे को इसको थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा गाइस। पहले इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं गाइस, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट। रेस यहां पे स्टार्ट हो चुकी है, दोनों को लगभग मैं सेम स्पीड पे चलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये काम करते हैं गाइस, दोनों के अंदर फुल स्पीड बढ़ा के देखते हैं। जैसे ही मैंने फुल स्पीड बढ़ाई है, यहां पे देख सकते हो शॉर्ट कोर्स आरसी कार ने टेक ओवर कर लिया है मसल आरसी कार को। शॉर्ट कोर्स आरसी कार की स्पीड बहुत ज्यादा है, मेरे को लग रहा है इसकी टॉप स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अभी चलो गाइस इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं इस बार हमारी शॉर्ट कोर्स आरसी कार ये डून ब्लास्टर आरसी कार को भी रेस में हरा पाती है। ओ भाई साहब, ये देखो कितनी फास्ट तरीके से आगे निकल चुकी है, मेरे को लग रहा है डून ब्लास्टर आरसी कार इसके आसपास में भी नहीं पहुंच पा रही है। दोनों को मैं चलाते चलाते ऑफ रोड में भी लेके आ चुका हूँ, देखते हैं गाइस ऑफ रोड में यहाँ पर डून ब्लास्टर आरसी कार ये शॉर्ट कोर्स आरसी कार से रेस में जीत पाती है नहीं। यार सच में ये कार रोड पे जितनी तेजी से चल रही थी, ऑफ रोड में भी उतनी तेजी से चल रही, रेस को जीत लिया है बहुत आसानी से। अभी इन दोनों के बीच में पुशबैक कराते हैं, मसल आरसी कार बहुत ज्यादा बिग साइज के शॉर्ट कोर्स आरसी कार के मुकाबले में। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मसल आरसी कार काफी आसानी से हरा देगी, पर गाइस देख सकते हो शॉर्ट कोर्स आरसी कार बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है, इस वजह से इसने मसल आरसी कार को हरा के रख दिया है पुशबैक में। ओके अभी इन दोनों के बीच में पुशबैक कराते हैं गाइस, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। टक्कर तो बड़ी जोरदार मारी है गाइस डून ब्लास्टर ने, पर देखो गाइस यहाँ पर मेरे को शॉर्ट कोर्स आरसी कार डून ब्लास्टर के ऊपर भारी पड़ती हुई लग रही है, पर से यहाँ पर शॉर्ट कोर्स आरसी कार ने हरा के रख दिया है डून ब्लास्टर आरसी कार को पुशबैक में। अभी इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट कोर्स आरसी कार ये रॉक रोलर को भी हरा पाती है यानी। यहाँ पे रॉक रोलर के अंदर मैंने 7.4 वोल्ट की बैटरी डालकर इसको थोड़ा बहुत अपग्रेड भी कर रखा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे रॉक रोलर इसको घसीट के लेके जा रही है, रॉक रोलर ने हरा के रख दिया है टग ऑफ वॉर में। अभी ये शॉर्ट कोर्स आरसी कार को ऑफ रोड में टेस्ट करते हैं गाइस, मेरे हिसाब से इसको बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है और इसके व्हील्स भी कंप्लीटली रबर के बने हुए हैं। देखो बड़े बड़े गड्ढों में से भी बहुत आसानी से निकल रही है, पत्थरों पे से भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है। तो गाइस मेरे को लग रहा है ये कार कंप्लीटली ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है। अभी ये मसल आरसी कार को भी चला के देखते हैं ऑफ रोड में किस तरह से चल पाती है। इसके साइज के हिसाब से, इसके व्हील्स के हिसाब से ऑफ रोड में बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए, पर ये टू व्हील ड्राइव होने के कारण जैसे इसके नीचे छोटा सा पत्थर आ रहा है ये कार रुक रही है गाइस। अभी डून ब्लास्टर आरसी कार को भी ऑफ रोड में चला के देखते हैं, ये कार भी टू व्हील ड्राइव है, इसके अंदर भी सेम दिक्कत मेरे को लग रही है। देखो पीछे के व्हील के अंदर पावर है, सामने के व्हील के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, ये कार भी आगे नहीं जा पा रही है। अभी यहाँ पे रिमोट टेस्ट करेंगे गाइस, देखते हैं किसकी रेंज सबसे ज्यादा दी गई है। दोनों कार्स को मैंने यहाँ पे चला दिया है, देखते हैं कौन कितनी दूर तक यहाँ पर जा पाता है। यार ये शॉर्ट कोर्स आरसी कार का रिमोट देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, डून ब्लास्टर का रिमोट सिर्फ 27 मेगाहर्ट्ज़ का है। डून ब्लास्टर का रिमोट यहाँ पर जीत चुका है गाइस, इसकी रेंज देखो कितनी ज्यादा दी गई है। साथ में मसल कार के रिमोट को भी टच कर लेते हैं गाइस, देखते हैं ये इन दोनों कार से दूर जा पाती है यानी। सरप्राइजिंगली ये कार इन दोनों से पहले ही रुक चुकी है गाइस, यहाँ पर रिमोट डून ब्लास्टर का बहुत ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। अभी इन कार्स के बीच में वेट पुल टेस्ट करते हैं। शॉर्ट कोर्स आरसी कार का साइज देखो यार, ये ईंट से भी ज्यादा छोटा दिया गया है। अभी स्केटबोर्ड के ऊपर मैंने बहुत सारे ब्रिक्स रख दिए, देखते हैं इतना ज्यादा वेट हमारी शॉर्ट कोर्स आरसी कार खींच पाती है यानी। पावर तो बिल्कुल सही है, पर इतना ज्यादा वेट खींचने में ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सेम टेस्ट करते हैं अभी मेटल रॉक रोलर के साथ, देखते हैं ये इतना वेट खींच पाती है यानी, ये भी यहाँ पे फेल हो चुकी है। एक काम करते हैं दोस्तों, तीनों को बिल्कुल सीरीज में बांध देते हैं, फिर देखेंगे ये तीनों मिलकर इतना ज्यादा वेट खींच पाती है यानी। चलो स्टार्ट करते हैं, तीनों को इकट्ठा यहाँ पे चलाने वाला हूं। तीनों आरसी कार्स ने एक टीम की तरह काम किया है, इस वजह से मेरे को लग रहा है गाइस तीनों की पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये इतना ज्यादा वेट भी यहाँ पर खींच पा रही है। तीनों ही आरसी कार्स थोड़ी सी छोटी साइज की है गाइस, इस वजह से इन तीनों को अलग अलग खींचने में दिक्कत हो रही थी, पर तीनों की पावर एक जगह जब हमने मिलाई तो देख सकते हो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर कमाल करके रख दिया है। तो इन तीनों आरसी कार्स में से आपको कौन सी आरसी कार पसंद आई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो आने वाले दिनों में ये मेटल की रॉक रोलर को मैं बहुत ज्यादा अपग्रेड करने वाला। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है अभिनव, प्रभात, नौमान, अधिराज, अमित, किशन, अंश, जफर, दिव्येश, पवन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।